बैकुंठपुर में है और हमारे साथ अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास और कथावाचक गुरुजी रामचंद्र राय आरक्षण के मामले को लेकर हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या है ये पूरा 4 साल जो चल रहा है आरक्षण? ये कई सालों से हमारे बंगाली समुदाय मांग कर रही है और जब भी हम मांग कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने भी यही मांग करा था। भारत के 7 राज्यों में मिल रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं मिल रहा। यहाँ पर एक तो हमारे बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र में पूरी पाकिस्तान लिख देते हैं। मतलब बंगाली एक समाज ऐसा हो गया जिसको कोई भी राजनीतिक दल आके ठगता है और एकदम इनको आश्वासन देता है कि प्यार से समझाता और हम समझ जाते हैं और हम कुछ नहीं करते। अभी देख रहे हैं कि आरक्षण की मांग कई बार सांसद पटल में उठने के बावजूद भी हमारे सांसद महोदय ने और आगे भाजपा सरकार ने इसको कहीं भी पूर्ण करने के लिए कोई भी आगे इच्छुकता नहीं दिखाई और ना पूर्ण हो रही है। अब आगामी जो चुनाव आ रहा है, अब हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले क्या ये जो वादे हमारे पूरे होंगे या नहीं होंगे। अगर पूरे नहीं होते चुनाव से पहले तो हम जितने भी हमारे यहाँ आसपास के रुद्रपुर दिनेशपुर शक्ति फार्म क्षेत्र में बंगाली बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो भी विधायक होंगे हम उनका विरोध करेंगे। और अगर नहीं मानते हैं तो हो सकता है कि हम ही अपने बंगाली समाज की तरफ से हम लोग अपना ही जनप्रतिनिधि उतारें कि आगे जाके कि बंगाली समुदाय को आरक्षण के लिए वो लड़ सके पटल पर। और हम देख रहे हैं कि हमारे बंगाली समुदाय के जो जनप्रतिनिधि है जिनको हमने चुन के भेजा है वो भी आज कहीं ना कहीं राजनीतिक दल में होने के बावजूद भी चुपचाप बैठे हुए हैं। समाज के किसी भी ये जो पीड़ा है कई वर्षों से जो आरक्षण को लेके पूरी पाकिस्तानी शब्द को लेके अगर ये लोग अपने पद से इस्तीफा दे दें तो सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगी इस चीज़ को मांग अपनी मांग को हमारी मांग को पूरी करने में। परंतु सरकार कहीं कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की और सरकार की कहीं मंशा नहीं है कि समाज की भला हो और बंगाली समाज के युवाओं को आरक्षण मिले और ये समाज आगे बढ़े। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मांग पूरी करें, नहीं तो फिर हम उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होंगे। गुरुजी क्या बात है, कई सालों से आरक्षण की मांगी जा रही है और पूरी नहीं हो रही, क्या है पूरा? देखिए, हमने ये कोशिश तो हम लगातार कर रहे हैं, पूरे समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं। आप अपने आप से भी ये सवाल पूछ सकते हैं कि तत्कालीन जब भारत विभाजन हुआ था उस समय भारत में हमारे जो पूर्वज यहाँ पर आए हैं उनको पूरी की पूरी तरह से सरकार ने आश्वासन दिया था, उनकी पूरी सारी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि बंगाली समाज के जो भी लोग यहाँ पर आए उनका तो दो कारण सबसे महत्वपूर्ण ये हैं कि उनको एक तो ठप्पा ये लगा दिया कि आप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के व्यक्ति हो, विस्थापित हो। आप ये बताइए, आज पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी को भी पाकिस्तानी कह दिया जाता है तो उसका सीधा मतलब है वो आतंकवादी हैं। क्या हम लोग जो बंगाली समाज के लोग हैं क्या आतंकवादी हैं? हमारे समाज के लोग इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए, इतिहास है हमारा। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा ये है कि पूरे बंगाली समाज जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनके माथे पे ये ठप्पा लगा हुआ है कि हम लोग विस्थापित हैं। पहली बात, हम जब विस्थापित हैं ही नहीं और जब हमें समाज कल्याण विभाग के द्वारा जब हमें छात्रवृत्ति दी जाती है तो किस हिसाब से दी जाती है, सरकार से मेरा सीधा प्रश्न है। और जब हमें दी जाती हैं क्या कहते हैं SC के बराबर हमें मान्यता दी जाती है तो फिर उससे हमें नौकरी में आरक्षण क्यों नहीं मिलता है? सरकार अपना दोहरा रवैया जो अपना रही है इसको वो ले ले। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाऊं, तत्कालीन समय में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हल्द्वानी एक बैठक करने के लिए आए थे उन्होंने स्पेशल शब्द में कहा था यदि मेरी सरकार बनी तो 90 दिनों के अंदर बंगाली जाति को नमोशूद्र पौंड माझी और तमाम जातियों को मैं अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए इनको मांग को पूरा करूंगा। अटल बिहारी जी आज हमारे बीच नहीं है लेकिन शायद जो हमारी सरकार है आज भारत में जो हमारी सरकार है वो सरकार हमारी बात को सुन रही है। दूसरी बात, जितने भी राजनीतिक हमारे दल हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये लोग अपना अपना राजनीतिक स्वार्थ को छोड़ के बंगाली समाज के साथ खड़े होकर इस मांग को पूरा करें, जैसा कि सुब्रत जी ने भी कहा है। नहीं तो कई बार उग्र आंदोलन हुआ है और इस बार ऐसा आंदोलन हम करेंगे पूरी दुनिया इसको देखेगी। और मैं सुब्रत जी के बातों का मैं समर्थन देता हूं कि यदि इस बार जनप्रतिनिधि नहीं जीते जितना कि समय अभी उत्तराखंड में बचे हुए हैं तो निश्चित तौर से हमारे समाज के लोगों को डेफिनेटली मैं आपसे कहता हूं कि वो जनप्रतिनिधि बनके यहां से विधायक बनके अपना नेतृत्व करेंगे और हमारे समाज के लोग जाके इसकी विधेयक को पारित कराने में अहम भूमिका निभाएगी। और नहीं तो हम ईंट से ईंट बजाने के लिए मजबूर होंगे। P24 न्यूज़ से मनोज हल्दर की खास रिपोर्ट उधमसिंह नगर से।